आज नंदिता किचन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कद्दू और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी को, जिसको हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और जिसको आप जो है इस चैत्र नवरात्रि में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इस नवरात्रि में इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इस कद्दू और आलू की सब्जी को गर्मा गर्म पूरियों के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे टेस्टी रेसिपी को। कद्दू और आलू का बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों के तेल। सरसों के तेल को अच्छे तरीके से मिला दे और इसको जो है हल्का सा गर्म हो जाने दे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हमें इसमें डाल देना है कद्दू। कद्दू को जो है मैंने छिलका निकाल के इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा ही चंक पर मैं कट किया हो। इसको हम तेल में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको जो है मिलाते हुए हमें 50% तक ऐसे ही कुक कर लेना है। हल्दी या नमक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कद्दू का कलर जो है हल्का हल्का चेंज होने लगा है। मीडियम फ्लेम में हमें जो है कद्दू को ऐसे ही चला देना है। आप चाहे तो कद्दू को ढक के भी पका सकते हैं। कद्दू जैसे ही 50% यानी कि आधा पक जाएगा हमें यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पे सारे कद्दू को जो है निकाल के एक प्लेट में रख देना है और बाकी 50% हमें कद्दू को बाद में पकाना है। सेम कढ़ाई में हमें 2 चम्मच के करीब तेल और डाल देना है। मैं यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने चॉइस से कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तेज पत्ता डाल देंगे, 2 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही में आधी छोटी चम्मच 5 फोरन डाल देंगे। अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और मीडियम फ्लेम में हमें इन मसाले को 1 मिनट तक पका लेना है। जैसे ही मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा हमें इसमें डाल देना है आलू। तो आलू को जो है मैंने इतना बड़ा साइज़ में कट कर लिया, टोटल 3 आलू को मैंने जो है इस तरीके का चंक में काट कर लिया और यहाँ पर आलू को जो है काट के पानी में डुबो के रखे, उससे आलू जो है काली नहीं पड़ती है। आलू को कढ़ाई में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च को मैं जो है ऐसे ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस के फिर डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दे इसमें ताकि मसाले जो है जले नहीं। अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट लगा हुआ है मिक्सी जार में वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। इससे मसाले को मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से पक जाने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला जो है अच्छी तरीके से भून गया है। अब हमें इसमें डाल देना है उबला हुआ चना। तो यहाँ पे जो है 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने चना ले लिया और उसको जो है 6 सीटी में उबाल लिया। साथ ही में इसमें डाल देंगे नारियल, ग्रेट किया हुआ नारियल मैं यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच डाल दे रही हूँ। अब हमें इन सारे चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और मसालों के साथ इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनना है। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको भून लेना है। टोटल 4 मिनट यहाँ पे हो गया है। मीडियम फ्लेम में आपको जो है इस मसाले को भून लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है पानी। 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर में रखी हुई हमें यहाँ पे पानी डाल देना है। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। अब हमें कढ़ाई को ढक देना है और यहाँ पे जो है आलू को 50% तक कुक कर लेना है। तब तक हम यहाँ पे एक भुना मसाला बना लेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दें, साथ ही में 2 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया, 4 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। सिर्फ यही 4 मसालों का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम में हमें मसाले को भून लेना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको मसाले को अच्छे से भूनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मसाले का कलर जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। इसी स्टेज में हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और मसाले को ठंडा हो जाने के बाद इसको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट बाद हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे और आलू को हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं पानी भी यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो गया है। आलू जैसे ही 50-60% तक कुक हो जाएगा हमें यहाँ पे डाल देना है हमारा फ्राई किया हुआ कद्दू। सारे कद्दू को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। कद्दू भी यहाँ पे 50% तक कुक हुआ है और आलू भी 60% तक। अब हमें दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसको जो है ढक देना है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पक जाने देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल के भी इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बीच बीच में इसी तरीके से आपको सब्जियों को चला देना है, नहीं तो सब्जियाँ जो है नीचे से जलने का चांस रहता है।
टोटल 10 मिनट बाद हम यहाँ पे कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे और सब्जी को यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हमारा भुना हुआ मसाला। 1.5 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे भुना हुआ मसाला डाल दे रही हूँ, साथ ही में 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दे रही हूँ, उसके साथ 3 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के डाल दे रही हूँ। अब हमें इन सारी चीज़ों को सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि सब्जी हमारा काफ़ी ड्राई हो गया है। 1/2 कप के करीब मैं यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ और पानी को भी सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। कढ़ाई को ढक दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए पक जाने देंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 भर की छोटी चम्मच घी। घी से इस सब्जी में बहुत ही एक बढ़िया फ्लेवर आएगी जिसको खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज में हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दे ताकि घी का सारा फ्लेवर सब्जी में आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी को सर्व कर लूँगी। सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में निकाल दिया। इस सब्जी को आप जो है गर्मा गर्म पूरियों के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और त्योहारों में तो पूरी हर घर में बनती है, तो इस सब्जी को आप बना लें, पूरी के साथ आप इसको एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।